नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। श्रीमंदिर श्रीजीव दुर्लभ नागार्जुन बेश वीर बेशरे सजे हेले जगा बलिया त्रिभुवनेश्वरी बेशरे धारण करले मां सुभद्रा दुर्लभ बेश दर्शन वंचित श्रद्धालु कोविड कटकणा पई श्रीक्षेत्र में 144 धारा। मालकानगिरी स्वाभिमान अंचल में पुलिस को बड़ सफलता कम्बिंग ऑपरेशन बेले खजुरीगुड़ा ग्रामर जड़े माओ समर्थक गिरफ्त। गिरफ माओ समर्थक लक्ष्मण गोलारी गतकाली गुली विनिमय बेले माओ कमांडर किशोर निहत होता पुणि निज उपस्थित जाहिर कले माओवादी नियमगिरी अंचल में रास्ता काम को विरोध। 2 तारीख रु पीएलजीए सप्ताह पालन पर वंशधारा घुमुसुर नागावली डिजन संगठन नवेदन। भुवनेश्वर कलाशुणी अघटन रास्त लगी ग्रिलू करेन्ट लगि जड़े युवकों मृत्यु विद्युत विभाग अवहेला को दायी कले स्थानीय लोके। धरा पड़ा मंत्री अरुण साहू का डबल स्टैंडर्ड परी को न्याय आंदोलन बंद पर गोटे पटे धमक आउ एपटे गृह में कहले मर्माहत व्यतीत परी बापा अभोग केवे भेटी ना कि कल रिसीव करुन नयागढ़ विधायक अरुण बढ़ुची अड़ुआ छवि बर्धन मृत्यु मामला को रिओपेन विरोधी दावी 2006 मंत्री सरकारी बासभवन मिलता मृतदेह। यूट्यूब देखी करुथले चोरी ब्रह्मपुर पुलिस हाथ में सुना लुटेरा 4 वर्ष धरी विभिन्न स्थानों करुथले लूट 5 गिरफ 540 ग्राम सुना अलंकार जबत। सिडनी शुभारंभ प्रथम दिनिकिया टॉस जीती प्रथम बैटिंग निष्पत्ति नेला ऑस्ट्रेलिया 9 मास पर आंतर्जातिक मैच खेलुची टीम इंडिया स्टेडियम रे फेरिला कोलाहल स्टेडियम को फेरिले दर्शक। एथर संपूर्ण खबर आज श्रीजीवों दुर्लभ नागार्जुन बेश श्रीमंदिर चली विभिन्न नीतिकांति पाट पटुआर में श्रीमंदिर महाबाऊ बेश पहुंचा पर आरंभ हो नीतिकांति बेशरे 16 प्रकार पारंपरिक युद्धास्त्र सज्जित हेबे महाप्रभु वीर नागा बेशरे सजे होती जगा बलिया त्रिभुवनेश्वरी बेशरे सजे होती माँ सुभद्रा तेरे महाबाऊ नाग बेशरे श्रीमंदिर भक्तिमय परिवेश हो उठी घंट घंटा सह वीर बाद्य कंपुची सिंहद्वार बाद्य नृत्य सह श्रीमंदिर आध्यात्मिक परिवेश सेपटे भगवान को देख न पारी भाव विहोल होई भक्त 25 वर्ष पर दुर्लभ बेश होता बेले भक्त भगवान दर्शन वंचित होपटे महाप्रभु नागार्जुन बेशपी अधराति श्रीक्षेत्र में कटका लागू हो श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर 144 धारा जारी रही मरीचिकोट छकू दोल मंडप साही जाए कटका लग जा महाप्रभु बेश ओला जाए कटका निर्देश रही नागार्जुन बेश ओला शेष होगा पतित पावन दर्शन करें भक्त। धीरे धीरे भुशुड़े लगी लालगढ़ आज सका पुलिस को आउ एक बड़ सफलता मिली जोड़ा आंब निकटस्थ खजुरीगुड़ा ग्रामर जड़े माओ समर्थक गिरफ्त कर सूचना मिली लक्ष्मण गोलारी नामक माओ समर्थक को गिरफ्त करिबारे पुलिस सफल होई तबे चित्रकोंडा ब्लॉक स्वाभिमान अंचल रे एसओजी बीएसएफ और आंध्र ग्रेनाउट जवान मिलित कार्यानुष्ठान चलाई जणे माओ कमांडर को निपात करथिबा बळे अन्य जणे आहत होईचंती। मृत माओ कमांडर उपरे राज्य सरकार पक्षरु 8 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करा जायथिला। जंत्री पंचायत अंचल रे मिलित बाहिनी 23 तारीख संध्यारु 72 घंटिया सर्च ऑपरेशन चलाइथिले तोटागड़ा गाँ निकट में सर्च ऑपरेशन बेले एठारे 12-15 सशस्त्र माओवादी थिबा सूचना मिलिथिला। गुरुवार पूर्वाह्न 11:00 दुई जण सशस्त्र माओवादी को डंगा घाटरे पारी हेबाकु उद्यम करिबा बेले घाट निकट में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाइथिला। डिसेंबर 2 तारीख रु 17 तारीख जाए पीएलजीए शहीद सप्ताह जोरदार भाव में पालन करने को पोस्टर और ऑडियो माध्यम रे जारी करले मेनपुर नुआपड़ा डिविजनल कमिटी। आज माओवादी माने गणमाध्यम को ऑडियो टेप जारी करिछंती शहीद सप्ताह को तीव्रतर करिबा सह समाधान अभियान हमला हराइबा पई पोस्टर रे उल्लेख करिछंती। ता सहित ई शहीद सप्ताह को क्रांतिकारी ऐतिहासिक दिवस भाबरे मन रखा जिवो बोली कहिछंती। सेइबळी शहीद होइथिबा कॉमरेड मानंकु गभीर श्रद्धांजलि जणाइछंती। ता सहित चासी विरोधी आइन को रद्द करिबा पई आह्वान करिछंती माओवादी। देशरे अति आवश्यक जिनिस दर आकाश छुआ होइथिबा ओ चासी
प्रकृत मूल्य जोगाई देवाकु दाबी करिछन्ति। सेपरि पीएलजीए सप्ताह मध्यरे नूतन भावरे युवक युवतींकु योगदान देवाकु आह्वान करिछन्ति। ए ऑडियो टेप रे गीत गाई सहित सप्ताह जोरदार भावरे पालन कराजिबो बोली कहिछन्ति। अन्यपटे नुआपड़ा एसपी राहुल जैन कहिछन्ति जे आमे सतर्क अछु, वर्तमान आगकु सहित सप्ताह थिबारु आमे छत्तीसगढ़ सह कॉम्बिंग ऑपरेशन जोरदार चलेबु बोली कहिछन्ति। ये पीएलजीए सप्ताह से माने प्रति वर्ष पालन करुछंती, सेती पाई हमरो पुलिस रो एडिक्वेट अरेंजमेंट हेची, कॉम्बिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू चलीची, सीआरपीएफ एसओजी टीटीएफ एवं मेलिको स्टेट पुलिस फोर्सेस रेगुलर एरिया डोमिनेशन कॉम्बिंग ऑपरेशंस करुछंती। ये पीएलजीए सप्ताह पाई भी हमरो सब ऑपरेशन प्लानिंग हेई सारेची एवं किछि ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट भी हेई सारेची। छत्तीसगढ़ संगरे हमरो कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग चलीची एवं तंका संगे मिलित ऑपरेशंस भी आमे करीब, जेहेतु कि जे हमर चेष्टा रहिबो कि कोनोसे प्रकार भी अघटना ही भीतर घटो नाही एवं समस्त जिंस हमर कंट्रोल रे रहिबो। कलाहांडी लांजी गडरे पूणी माओ पोस्टर, नियमगिरी अंचलरे रास्ता कामको विरोध करिछंती लालबाहिनी। वंशधारा घुमुसुर नागाबळी डिविजन संगठन पक्षरु 2 तारिखरु पीएलजीए सप्ताह पालन पई माओवादी निवेदन करिछंती। बीजेपुर थाना त्रिलोचनपुर पंचायत नियमगिरी पहाड़ पाददेशर थिबा फुल्लो डुमेर गाँवें एक माओ पोस्टर और ब्यानर मरा जाइछि। नियमगिरी अंचल रे सक्रिय होई वंशधारा घुमुसुर नागावली डिविजन संगठन पक्षर एक माओ पोस्टर मरा जाइछि। नियमगिरी अंचल रे सक्रिय होई वंशधारा घुमुसुर नागावली डिविजन माओ संगठन पोस्टर मारी रास्ता काम को विरोध करी निजर उपस्थित जाहिर करिछन्ति। भुवनेश्वर पळाशुणी अघटन, पळाशुणी छक रास्ता कडरे लागिथिबा ग्रिल रु करेंट लागिबा कारणरु जणकर मृत्यु घटिछि। मृतकंक नाम मनोज, एथिपई स्थानीय लोके बिजुली विभागकु दायी करिछन्ति। बारंबार अभिजोग करिबा सत्वे उक्त अंचलरे बिजुली तारकु सजडा गला नाही, जहा फळरे ही दुर्घटना घटिला बोली स्थानीय लोकंक अभिजोग आछि। पुणी लांजीगढ़ दादन श्रमिकंक तमिलनाडु रे मृत्यु, भिटा माटिकु फेरिला सब अंचल रे शोकर छाया। तबे कलाहांडी जिला बिजेपुर थाना अंतर्गत बेनगाँ पंचायत स्थित बालीगुड़ा गाँवर घासे माझी आजकु 1.5 वर्ष हेला तमिलनाडु राज्यर एक क्रसर रे काम करुथिले। गत मंगलवार सकाळ 11टा समय रे सांग मानंक सहित एक बाइक रे निकटस्थ धरमपुर मार्केट जाउथुबा समय रे सामना पटु एक मारुति सुजुकी कार धक्का मारिबा जगु दुर्घटनार शिकार होइथिले। दुई जना सांगो स्थानीय लोके मिसी तांकु संगे संगे निकटस्थ कलिम बेटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे भर्ती करथिले। चिकित्साधीन अवस्था रे मंगलवार संध्या रे तांकर मृत्यु घटिथिला। गोल्ड लूट पाई यूट्यूब गुरु, ब्रह्मपुर पुलिस को बड़ सफलता। गत 4 वर्ष धरी जिले रे लूट मचाइथिबा हाई प्रोफाइल गैंग पुलिस हाथ रे धरा पड़ी। एने प्रेस मीट करी ब्रह्मपुर एसपी सूचना देछंती, कहिछंती लूट रो ज्ञान एमानंकु यूट्यूब देथिला। गोल्ड लूट पाई यूट्यूब गुरु वीडियो रे देखिले असल रे अप्लाई करले पुलिस पंजारे 5 हाई प्रोफाइल लुटेरा पाखरु कोटि कोटि टंकार सुना कार बाइक सह मिलिला विदेशी युरो। ब्रह्मपुर पुलिस को बड़ सफलता, सीरीज लुट गैंग रो पर्दाफाश। गत कई वर्ष धरी ब्रह्मपुर सहर एवं आखपाख अंचल विभिन्न घर चोरी डकायती करथुबा लुटेरा गैंग को काबू करिछि ब्रह्मपुर पुलिस। एमाने ब्रह्मपुर सहर समेत विभिन्न अंचल चोरी करथुले बोली एसपी पिनाक मिश्र सूचना देथिले। गोटे सेवरोले कार ए बर्गलर से गोटे जो जो क्रिमिनल अछि ता पाखरे गोटे सेवरोले क्रूज मॉडल रो कार थिला, से दिल्ली रु ताकु किनिकि आनिथिला अराउंड 15 लाख टका देकरि। तार कागज पने तार सेटिस्फाइंग आंसर से दे पार नथिला से कोठु से कार ताकु आनिकि। त सोर्स ऑफ मनी गोटे केटीएम बाइक, न्यू केटीएम बाइक नुआटा से किनिथिला 2.5 लाख देकरि। गोटे सुजुकी स्ट्रीट बाइक सेटा भी से किनिथिला टीवीएस जुपिटर मोटरसाइकिल। दुईटा टीवी ता घरु आमे माने रिकवर ता पोजीशन रु रिकवर करथिलु। गोटे लैपटॉप एटा आपण देखुछन ते एटा भी स्टोलन आर्टिकल, एटा भी तारो वेरीफाई हेछि, एटा रिकवर हेतला।
DSLR गोटे कैमेरा रिकवर होता रिस्ट वॉच एवं विभिन्न उपकरण आर्टिकल जोटा चोरी रे तांको साहाज्य करे से चोर माने यूट्यूब रु से माने जानिबो केमिति गोल्ड टाकू मेल्ट करंती केमिति को इक्विपमेंट रे माने बर्गलरी माने कबाट ताड़ीबार सुविधा हुए ए सब जिनस से माने यूट्यूब रे करथले एवं आउ गुटे सबटे इंटरेस्टिंग जिनस गुटे चोरी बर्गलरी हेतला जणे डॉक्टर को घरु 1400 यूरो चोरी हेतला से यूरो गुडा को भी हमें जहाँ से डिपोजिट करें पोजिशन रू आम रिकवर कर एथसहित एसपी कहते लुटेरा गैंग धरने एक स्पेशल टीम गठन कर पुलिस घटनार पर्दाफाश कर पांच जन हाईप्रोफाइल लुटेरा को गिरफ्त करते से निकट 540 ग्राम्र सुना अलंकार 100 ग्राम्र रूपा 30,000 टंका गोटे कार तीनोटी बाइक गोटे टीवी गोटे लैपटॉप कैमरा सह विदेशी यूरो मध्ये जबत कर लुट करने पूर्व एमाने यूट्यूब लुट्र तरीका शिखी था पर असल रूप दे ब्रह्मपुर एसपी तार स्टेटमेंट रो मैंने पाइजु जो ओवर 21 लाख से मानापुरम रु गोल्ड मॉर्गेज जेतु अन्यन लोक भी संप्रुक्ति अछंती वी आर ट्राइंग टू सर्टन मोर फैक्ट्स आमे और इंट्रोगेशन दरकार जेतु आपन मन कहली सस्टेन इंट्रोगेशन दरकार ए लोक पे पिला मन कर ए जो क्रिमिनल मन कर जो द्वारा कि मु भाबु छी और आमे जते क्राइम हेथिला विगत 6 मास या 8 मास भितरे आमे ताकू डिटेक्शन करिवु बा आमो पाखरे आमे तार 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 से क्राइम रो किछि किछि इंपोर्टेंट क्लू हमरो हस्तगत हो बोली कर मु आशा तबे गिरफ होइतबा ए हाई प्रोफाइल डकायत को नाम रे विभिन्न थाना रे पूर्वरु 15 टी मामला रही सारी छी एवं गत 4 वर्ष हेला एमाने विभिन्न स्थान रु चोरी करि आसुथिले एबे गंजाम जिला रे लुटेरा को आतंक पुलिस पाई चिंता बढ़ाई गोटिक परे गोटिए लुट परे भरे जिलावासी जहां एबे पुलिस पाई बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि एबे ही लुटर पर्दाफाश परे पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि ब्रह्मपुर रु पीतांबर नाहकंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज पुरी जिला पिपिली एनएससी अंचल प्राय 350 रु ऊर्ध संख्या लघु संप्रदायर लोके बीजेपी रे सामिल होती भारतीय जनता पार्टी पुरी जिला सभापति तथा पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी आश्रित पट्टनायक नेतृत्व उपरे दृढ़ भरोसा करी बीजेपी रे सामिल हो पिपिली एनएससी रे संगठन को मजबूत करिछंती पूर्वरु किछि व्यक्ति कांग्रेस दल रे कोण ठेसा होई रहितबा बेले आउ किछि शासक बीजेडी दल रे रहितले मध्ये जनसाधारण समस्या समाधान असंतोष भितर रही खोर्धा अंतर्गत कईपदर स्थित मस्जिद ठारे बीजेपी रे सामिल हो पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडल इतिहास सृष्टि विगत दिन में एक कालीन एत संख्यार संप्रदायर नेता कौन दल में सामिल होगा नजीर ना जहाँकि आगामी दिन में पिपिली उपनिर्वाचन होवा पिपिली पौर निर्वाचन हो भारतीय जनता पार्टी निश्चित भावे विजय लाभ करी उभय आसन अलंकृत करिवो बोली शामिल होइतबा नेता माने प्रतिक्रिया देछंती दल रे जो सिस्टम रे आमे जो आशाई थिलु लोकंकर जो ग्रामवासींकर सेवा करिया पई से सेवारे आमे लागी पारलुनु सेति पई आशीष पटनायक वर्तमान आमर जो बीजेपी रो एमएल कैंडिडेट अछंती आमर सुख दुख भलमंद रो जो गरीब लोकंकर सब साहा भरोसा से सब बुझुछंती तो सेति पई तांको नेतृत्वटा भल लागिला सेति पई तांको पाखरे अछु आज्ञा बीजेडी रो तो वर्तमान किछि ये नाही बर्तमान बीजेपी रे आश्रित पट्टनायक नेतृत्व बहुत भल लगला से आम बीजेपी जोग दलु आज कम से कम 200 रु 250 लोक आम कईपदर पाखे जागदेलु गंजाम बुगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत करसिंग पंचायत आदिवासी अध्युषित अंचल अधपंतरिया भाव पड़ रही समलाई ग्रामर कोठघर विभिन्न ग्रामांचल आम गाँ आम विकास नाम गाँवर उन्नति दिगरे राज्य सरकार विभिन्न योजना कर डिंडिप पिटुचंती 2018-19 आर्थिक वर्ष 150,000 टंका अर्थर निर्माण हो गोटे कोठघर हेले 2018-19 आर्थिक वर्ष आरंभर कार्यभार नहीं गाँ साथी किंतु क्यों कारण कार्य आज पर्यंत शेष हो पारा ना ताहा जानिनथिबा बेले गृह कार्य अधपंतरिया भाव पड़ रही
ଏହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। परी हत्या मामलारे सामना को आसिला मंत्री अरुण साहू को डबल स्टैंडर्ड। हत्यार चारिमास परे कहिले मु मर्माहत सेपटे परी न्याय अभियान को बंद करबा को पळाइथिले चाप जहार एक ऑडियो वायरल होइथिला। एपरी कि न्याय पई परी को बापा मंत्री को बारंबार फोन करथिले मध्य तांको फोन उठाई नथिले अरुण। एबे मंत्री को बिब्रुति उपरे डबल स्टैंडर्ड नै चर्चा जोर धरिछि। धोरा पड़ी कोला अरुण साहू को डबल स्टैंडर्ड धमक देले आंदोलन बंद पाई। एपटे गृह कहले मु मर्माहत व्यथित परी बापा मां को कॉल रिसीव कले नहीं किंतु गृह कहते परी को न्याय मिलू। गृह भितर आउ बाहर हो हल्ला हट्टगोल सारा राज्य में भी परी को न्याय कैंपेन आपटे गृह बृति रखी अड़ुआ पड़ जा मंत्री अरुण साहू कहते परी मृत्यु मत मर्माहत कर क्राइमब्रांच तदंत को स्वागत करिसंती मंत्री अरुण साहू। से हिंसा को विरोध करती हेले गोटे दिन आगु जो ऑडियो वायरल होता से स्थानीय सरपंच सौम्य प्रधान को परी को न्याय अभियान को बंद करने को धमक दे अरुण जहाँ कि एक छोट झील परीर हत्या को नहीं यह मत व्यथित कर गभीर मर्माहत परिवार को न्याय मिलवा मोर उद्देश्य मोर राजनीति जीवन में मु हिंसार घोर विरोध जेकोसी मृत्यु मु मर्माहत हुए राज्य सरकार जो क्राइम ब्रांच तदंत देखते स्वागत करने संगे संगे परी परिवार को न्याय मिलबो बोली मोर दृढ़ विश्वास एथिरे जिए भी जड़ित एथिरे जिए भी जड़ित होता कहीं से दंडित होगा दरकार एथिरे जिए भी जड़ित होता कहीं से दंडित होगा दरकार मोर अनुरोध यहाँ राजनीतिकरण नक बर पर न्याय पाइबापी दाबी रखा उचित एवं सत्यर उन्मोचन होगापी प्राधान्य देवा दरकार पर न्याय पाऊ सत्य उन्मोचन हो मंत्री अरुण साहू को मर्माहत कहवा को साढ़े चार मास हो गला निज निर्वाचन मंडल पांच वर्षर झीर हत्याकारी को धरवाई आगर के दावी करइमब्रांच तदंत आगर कहीं चिठी लिखिले ना कहीं घंट घोड़ बाबुली नायक को एमतीक परी बापा कल भी रिसीव करुण अशोक बाबू के देखा गुरु। अच्छा ए जो परी घटना परे मंत्री अरुण साहू अशोक बाबू को बा आपण को एवं सोदामिनी मैडम को केबे डाकी की आसी की कथा आइ छंती की माने आपण को फिजिकली केबे सामना सामनी देखा करि छंती की हमे आजा चार पांच थर फोन कर दी ताकू से थोड़े थर फोन उठे तापर आ फोन उठे लेनी फोन कर फोन उठे लेनी आम कोड़े बैश थर फोन कर दी से फोन उठे लेनी कि आम को कहल आप घर को आसिले बोली से कहे मत करोना है मुझे जापारूनी आभिन्न आल देखे से रे कि आम को से देखा करूना आज्ञा कि आम घर को आसी ना एपर्त पदारे पड़ जाइछि मंत्री अरुण साहू को डबल स्टैंडर्ड। एबे नजर कोन हेउछि विरोधी को एक्शन और सरकार को रिएक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़। न्याय मागिबाकु जाइथिबा असहाय बापा मांकु बदमाश कहिले नयागढ़ एसपी प्रत्युष दिवाकर किंतु बाहरे बुलुथिबा असली बदमाश बाबुली नायक को हाथ देबाकु डरुछि पुलिस। किडनी चोरी भली सांघातिक अभियोग सत्वे काहेकि चुप अछि नयागढ़ पुलिस। हत्याकारी को खसाइबाकु परी परिवार को पुलिस जे प्रलोभन देखाइथिला से ने पुलिस निकट रे जवाब अछि कि तापर आमको नहींक आसले एसपी अफिस्क नहीं आसे
ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା କରେଇଲେ। ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲ, ତମେ କ'ଣ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ, ଗୋଟେ ବଦମାସ କାମ। ତାପରେ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆମକୁ ଯାହା ପଛରେ ପଛରେ ଗଲେ ପଛରେ ସେଠୁ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ କି କହିଲେ ରୁହ ଏଠି ଦୁଇଟା ବଦମାସ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରେ। ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ସାବାଡ଼ କରିବେ, ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ନା ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ କି ତମକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ କି ତମ ପିଲାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଏ କଥା କହିବେ। ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିଏ ଏଟା ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ ମୁଁ କାନରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ବଦମାସୀ, ପରି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା କ'ଣ ବଦମାସୀ, କିଏ ବଦମାସ, ବଦମାସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଚିଥିଲା 5,00,000 ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀଶ ଦିବାକର, କାହିଁକି କିଡ୍ନି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଚୁପ ଏସ୍ପି, 4 ମାସ ହେଲା କି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ତ ଦେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଆଉ 24 ତାରିଖରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ବଦମାସ ପଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ କରୁଛି। ପରୀର ମା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏସ୍ପି ବଦମାସ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଅଶୋକ ବାବୁ? ସେ କାହା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କହିଲେ ଦି ଜଣ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ସାବାଡ କରିସାରେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ହିଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି, କାଲି ବି ସେ କଥା ପଚାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି? ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ତାକୁ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ବାବୁଲି ନାୟକ ନୟାଗଡ଼ରେ କିଡ୍ନି ଚୋରି ଚଳାଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା, ଏନେଇ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଚୁପ, ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ସିଏ ଆଉ ଧରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେସର ତ ରହିକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ମିଡିଆକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆମ ବିଧାୟକ ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜାଇ 5,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ବି ପୋଲିସ ଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାହୁ। କହିଲେ ତମେ ତମ ଭାଉଜ ନାଁରେ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ, ଆଉ ଆସାମୀଟା ଧରା ହେଲେ ତମକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ 5,00,000 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଜ ବେଳେ ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖସାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜାଇବ ଆଉ ସରକାର 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଇଏ କେଉଁ ଯୋଜନା? ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିଡ୍ନୀରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମିଳିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସେହିପରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖର ଧୱନ, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇନି, ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଚହଲ, ଜାଡେଜା ଓ ସାମି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1992 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସୁଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।